जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है वह आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन की कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन की मैं जानकारी अलग से मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, जो आप देख पाएंगे। तो यह वैकेंसी आपकी फिर से रीओपन हुई है उसके बारे में है, और ऑनलाइन आप किस तरीके से आवेदन करेंगे इसकी डिटेल मैं दूंगा। और डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को। तो फ्रेंड सबसे पहले हम चलते हैं इसके आवेदन की तरफ, किस तरीके से हम आवेदन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका आ रहा होगा। जैसे आप इस तरीके से कर लें तो सेम ऐसी रह जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी देर लगेगा, ठीक है। पंजाबी लोग वो यहाँ पे पंजाबी रहने दें, और जहाँ पे चाहें तो आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्राइवेसी नोट्स आ रहा है तो वो पढ़ सकते हैं। आपकी जो डिटेल है विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये आपको बता दिया जा रहा है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये देंगे। फिर यहाँ पे आप देखते हैं आपने कभी नाम चेंज कराया है तो यहाँ पे अब यस या नो करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप बताना है, ठीक है। यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से, मेल फीमेल है जानकारी देंगे, मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी, ये यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनरेट ओटीपी यहाँ पे आपका होगा, फिर डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये स्टेप है आपको करने हैं इनको, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं और जानकारी आ रही है उसको पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया था, ठीक है, मैंने ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके कैप्चा आएगा, पॉपअप आएगा, कैप्चा को आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा जैसे फिल कर लेंगे उसका एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, फिर आप इसी वापस इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ओटीपी दर्ज करना है। तो सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरी डिटेल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सीधे हेड कांस्टेबल में जाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट, पेमेंट, ठीक है। ये स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन कैडर, यहाँ पे आप देखते हैं पंजाब पुलिस आ रहा है, यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर था वो, यहाँ पे कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपका जेंडर यहाँ पे देखने को मिलेगा, शादीशुदा है, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्या आप पंजाब की डोमिसाइल है, यस या नो पे क्लिक करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं यूआर कैटेगरी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं जनरल कैटेगरी कर ली, यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन डिटेल आ रहा है, उसको यहाँ पे आपको देखिए आपको यहाँ पे आपका सोशल मीडिया आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, लिंक्डइन आईडी, ट्विटर आईडी आप यहाँ पे वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चुन लेता हूँ, ठीक है, मोगा चुन लिया मैंने। मार्क ऑफ विजिबल आपके कोई शरीर पर कोई मार्क है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ड्यू है पैन कार्ड, यहाँ पे यस या नो करना है तो यस है तो यहाँ पे आप जानकारी देंगे, नेम ऑफ पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे आप जानकारी देंगे, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में।
यहाँ पे ड्यू हैव वोटर आईडी तो उसके बारे में जानकारी देंगे, ड्यू हैव पासपोर्ट तो पासपोर्ट की जानकारी, ड्यू हैव आधार कार्ड तो आधार कार्ड की यहाँ पे आप जानकारी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं आइडेंटिटी आपके आ रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए एडिशनल डिटेल पे आते हैं कि आप एक्स सर्विस में है या सीएनओ करना है। यस है तो यहाँ पे आपको देखिए ज्वाइनिंग डेट सर्विस, रिटायरिंग आपका रिलीविंग डेट सर्विस यहाँ पे बताएंगे। ड्यू हैव एम्प्लॉई ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के यस या नो करेंगे, यस करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आपका आपका रिलीविंग डेट ड्यूरेशन यहाँ पे काउंट हो जाएगी। क्या आपके पास एनओसी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है तो यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर यू आपके पास आपके खिलाफ कोई एफ आई आर हुई है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड जानकारी है। हैव यू बीन अरेस्टेड, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। हैव यू बीन आपका ट्राइड कन्विक्टेड है, यहाँ पे आपको नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर हैड टू एजुकेट एनी बॉन्ड कीपिंग फीस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली सब पे नो करते जाएं, फेसिंग एनी क्रिमिनल केस डिपेंडिंग इंक्वायरिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पे नो रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल डिटेल हो जाएंगी, वो फिल हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद देख सकते हैं आप तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना करस्पोंडेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, सिटी विलेज स्टेट कौन सा है तो यहाँ पे आप बता दिया पंजाब का है। ठीक है, तो मैं पंजाब चुन लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चुन लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। और कंट्री यहाँ पे आपकी इंडिया रहेगी। पिन कोड यहाँ पे बताया, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप बताना है जैसे एन ओ करके, दोनों सेम है तो उसके इसमें यस करता नहीं है तो अलग अलग यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है, जो भी आप बोर्ड से किया है तो यहाँ पे सी बी एस ई या आपका स्टेट बोर्ड है तो बोर्ड चुन सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल, आपका परसेंटेज क्या थे, परसेंटेज सी जी पी ए ग्रेड पे यहाँ पे बता सकते हैं। मार्क ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से बताएंगे। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे यस या नो करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो पंजाबी लैंग्वेज हाई स्कूल पास किया है, मैंने यहाँ पे देखी यस कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पोस्ट है पंजाबी लैंग्वेज है। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन मैंने हाई स्कूल में था तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको देखिए यस या नो करना है। ठीक, यहाँ पे आपका देखिए इंटरमीडिएट की जानकारी देनी किस बोर्ड से किया है तो मैं सीबीएसई बोर्ड कर देता हूँ। नेम ऑफ स्कूल, परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे आपका मार्क ऑप्टेन, मैक्सिमम मार्क, आपका परसेंटेज आप क्या था मार्क, यहाँ पे आपके ईयर ऑफ पासिंग बताना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, स्ट्रीम क्या था तो यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रीम चुन लीजिए। आपका इंस्टीट्यूट पास क्या था, रिकनाइज आप क्या था किया नहीं, रिकनाइज इंस्टीट्यूट था यस यहाँ पे कर दीजिएगा। ईयर ऑफ मंथ और ईयर पासिंग के कैलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट यहाँ पे परसेंटेज था तो यहाँ पे ऊपर के मार्क ऑप्टेन, मैक्सिमम मार्क यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। एनी दर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडर प्रेफरेंस है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, सेवन नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर। ठीक है, फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट और पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखिए अपनी जो फोटो है, रिसेंट साइज आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए किया है, यहाँ पे सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपलोड या पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे, अपलोड या स्कैन ट्वेल्थ आपकी मार्कशीट वो अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की अपलोड करेंगे, जो जो आपने डिटेल दे रखी है वो उसके अनुसार हायर क्वालिफिकेशन है यदि है तो वो आपका अपलोड या आईडी अप्रूव वन एंड सेकंड। ठीक है, तो वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए फीस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 1000 रुपये फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको आ रहा है रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म द क्लिक, यहाँ पे बटन पे कंफर्म दैट आपका ये डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई सर्टिफाई द अपलोड डॉक्यूमेंट वी अलॉन्ग विद जेन्युइन है तो उस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आई अंडरटेक द सेल नॉट बी कॉस्ट एनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है तो वो तो यहाँ पे आपको उनको पढ़ते हुए यहाँ पे आप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन है आई हैव गेट यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ी सी जानकारी आपको नोटिफिकेशन की दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग डेट है जो कि आपके प्रीवियस नोटिफिकेशन की है। ठीक है, यहाँ पे वो डेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। ठीक, तो हम बात करते हैं जो क्योंकि ये हमारा ये प्रीवियस ओपन हुआ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 811 है
जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दे रखी है, पे स्केल के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं फोटो उनकी साइज बता देता हूँ, हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेट कैडर की है जो आप देख सकते हैं अभी भी आपका चालू है। इसके यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, बाकी अन्य जानकारी दे रखी है, आपके सिलेबस के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो वो मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फोटो साइज 50 से 200 केबी के बीच में रहेगा, सिग्नेचर भी 50 से 200 केबी के बीच में। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये थी जानकारी आपकी पंजाब पुलिस में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि रीओपन फिर से हुई है, उसकी जब कंप्लीट जानकारी दी है। नोटिफिकेशन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे कंप्लीट जानकारी फिर से देख लूँ। वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।